नमस्कार, मैं अंकुर वर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेसिंग स्कीम के बारे में। नमस्कार, मैं अंकुर वर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेसिंग स्कीम के बारे में। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा एक बार देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम किन किन सब टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर की एक एड्रेसिंग स्कीम है, जिसके अंदर हम होस्ट को एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। यह आईपी एड्रेस 32 बिट की एक वैल्यू होती है, जिसे हम लॉजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। एक आईपी एड्रेस के मुख्यतः दो भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है नेटवर्क पार्ट और दूसरा भाग होता है होस्ट पार्ट। आईपी एड्रेस को जनरली हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि आईपी एड्रेस को हम 4 8-8 बिट के ऑक्टेट में डिवाइड करते हैं और हर एक ऑक्टेट एक दूसरे से एक पीरियड यानी कि डॉट की मदद से सेपरेटेड होता है। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि 8-8 बिट के हमने 4 ऑक्टेट बना रखे हैं, इसी को ही हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ट्रेन की टिकट्स खरीदने पड़ेंगे। आईपी एड्रेस की मदद से हम किसी भी होस्ट को एक नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि हर एक होस्ट का नेटवर्क में एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइंड होता है। तो आइए एक एनालॉजी की मदद से हम आईपी एड्रेसिंग के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि हम राजस्थान की सिटीज़ के बारे में जानते हैं कि इनके पोस्ट कोड एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिजिट से मिलके बनते हैं, तो अगर हम जोधपुर के पिन कोड के बारे में बात करते हैं तो उसका पिन कोड है जैसे कि 342001, जिसमें कि 342 ये जो डिजिट है ये एक पर्टिकुलर सिटी यानी कि जोधपुर को आइडेंटिफाई करती है, और लास्ट के जो डिजिट्स हैं वो उस सिटी की एक पर्टिकुलर लोकेलिटी या लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी आईपी एड्रेस में लेफ्ट से लेते हुए राइट की तरफ चलते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर होस्ट के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यानी कि सबसे पहले तो उसका नेटवर्क पार्ट मिल जाएगा और जैसे जैसे हम राइट की तरफ अप्रोच करेंगे तो उसका होस्ट एड्रेस भी हमें पता चल जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं सबनेट मास्क के बारे में। सबनेट मास्क हमें आईपी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है, जैसे कि ये गिवन आईपी एड्रेस किस पर्टिकुलर होस्ट से कम्युनिकेट कर सकता है, किससे ये कम्युनिकेट नहीं कर सकता। नेटवर्क की बाउंड्रीज को भी ये सबनेट मास्क ही दर्शाता है। सबनेट मास्क की मदद से हम आईपी एड्रेस में कौन सा पार्ट नेटवर्क का है और कौन सा पार्ट होस्ट का है ये पता लगा सकते हैं। आईपी एड्रेस एक सबनेट मास्क की मदद से ही नेटवर्क की बाउंड्रीज का पता लगाता है। यदि हम आईपी एड्रेस को एक बस मानते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सबनेट मास्क उस बस का ड्राइवर है। एक सबनेट मास्क के अंदर नेटवर्क बिट्स को हमेशा 1 से दर्शाया जाता है और होस्ट बिट्स को हमेशा 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे आईपी एड्रेसेस की डिफरेंट क्लासेस के बारे में। तो जैसा कि हमने लेक्चर की शुरुआत में बात की थी कि एक आईपी एड्रेस 32 बिट की वैल्यू होती है और इन 32 बिट्स को 8-8 बिट के 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। अब इन चारों ऑक्टेट में से पहले ऑक्टेट की वैल्यू के अनुसार हम आईपी एड्रेसेस को 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने आईपी एड्रेसेस को 5 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है और हर क्लास की एक स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज होती है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हम क्लास ए के बारे में बात करें तो क्लास ए की जो रेंज है वो स्टार्ट होती है 1 से और ख़त्म होती है 127 पर। लेकिन क्लास ए में एक स्पेशल केस है जिसके अंदर हम 127 को काउंट नहीं करते, क्योंकि ये एक स्पेशल आईपी एड्रेस है और लूप बैक पर्पज़ के लिए या फिर लोकल होस्ट के लिए काम में लिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस फ्रॉम GPC जालोर, please subscribe to the TTC Jodhpur's channel and hit the bell icon so that you never miss an update of our upcoming new videos.